चले शुरुआत किया जाए। ठीक है, बताओ बीटा गामा फंक्शन हुआ। बीटा गामा फंक्शन में हम लोग पहला ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिए, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिए, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिए गामा का, बीटा के अलग अलग रूप पढ़ लिए। हाँ या ना? ठीक, गामा फंक्शन के तीन ट्रांसफॉर्मेशन तीनों हम लोगों ने पढ़ लिए। इसके बाद बीटा फंक्शन का जो अलग अलग रूप होता है वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर बीटा गामा फंक्शन में रिलेशन पढ़ लिया। ठीक, आप दो मिनट का मौन धारण करो। सारे लोग जरा कॉपी बंद करो, फटाफट कॉपी बंद करो, तुरंत कॉपी बंद, कॉपी बंद, बंद हुई कॉपी, बंद कर बच्ची, बंद कर कॉपी ना, कॉपी बंद हुई। अब चलो मेरे को बताना रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, जिससे पूछेंगे वो बताएगा ना, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। हाँ, इसीलिए तो पूछे ना, ठीक सर, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन क्या? ये तो तुमने एक बात कह, क्या है ये, क्या बीटा एंड क्या, पूरा बोला पूरा बैठो बैठो इधर ना। बीटा और गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन बताओ। नहीं पूरा बोलो पूरा, अच्छा पूरा बोलो, तुम फैक्टोरियल डाल दो इसके बीच में, नहीं पूरा बोलो, बीटा और गामा फंक्शन के बीच में जो रिलेशन लिख करके ब्रैकेट में बंद किया गया तो पूरा क्या था? पूरा आने के बाद तीनों लोग थी क्लास में, कल की क्लास में तीनों लोग मौजूद थे ना, बोलो भाई। बदल बदल ये टेंशन टेंशन ब्लू के बदलते ही। हाँ बोलो, बीटा एम के बीच में कल थे नहीं थे, कल कहाँ थे? बुखार हो गया था क्या यार तुमको ना, अब बुखार हो गया था, अब ये मतलब बुखार हो गया तो बीटा फंक्शन तो चला गया बेचारा, वो तो गामा के साथ एक रिलेशन में था और तुमने उसको बुखार के बीच में पैरासीटामोल खिला दी, गड़बड़ बातें हैं ना। अच्छा पक्का ईमानदारी से बताओ, देखो हम कुछ करेंगे नहीं, हम ऐसे पूछे रहेंगे, पक्का ईमानदारी से बताओ, कसम से भगवान से कहो, तुमको बुखार था, रामदेव बुखार था, पक्का बुखार था, गलत बोल रहे हो, नहीं था, कल बुखार था और आज तुम इतने हेल्दी हो नहीं सकता, वैसे तुम हेल्दी नहीं दिख रहे हो ना, था कि नहीं था, ईमानदारी से बताओ, था, फोन मिलाया जाए घर पे, देवी और सज्जनों एक कॉल किया जाए, कॉल ऑफ फ्रेंड मिलाए, झूठ ना बोलना बच्चा, बैठो बैठो ना, पीछे तीनों लोग कल की क्लास में थे, अटेंडेंस है मेरे पास ना, सबसे किनारे। हाँ, बीटा एम एन इज इक्वल टू कितना होगा, आराम से, बीटा एम एन इज इक्वल टू कितना, अच्छा अब मेरे साथ जरा सब लोग एक सुर में बोलो, बीटा एम एन क्या होगा, बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन होल डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन। जिनको नहीं पता था उनको भी पता चला, चले शुरुआत करें। देखो कितनी आसान चीज पूछते हैं, कठिन चीज खुद नहीं आती, इसीलिए तुम आसान आसान पढ़ाते हैं, आसान आसान पूछते हैं, फिर भी तुम लोग पढ़ते नहीं हो, गलत बात। चलो पहली प्रॉब्लम नोट करो, प्रॉब्लम प्रॉब्लम इतना, प्रूव दैट इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity e to the power minus x square dx is equal to under root pi by 2, under root pi by 2। एक इंटीग्रल आपको कहा जा रहा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity e to the power minus x square dx, साबित कीजिए किसकी वैल्यू अंडर रूट पाई बाई 2 होगी। चले शुरुआत करें, सबसे पहला हिस्सा जो दिख रहा है वो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर,
अगर ये e की पावर z होता तो हम इंटीग्रेट बड़े आराम से कर लेते, हाँ या ना। तो बस मेरे सामने नकल यही है, जो आपको x स्क्वायर नजर आ रहा है आप x स्क्वायर की जगह कितना रख दीजिए, z रख दीजिए, बाय सब्स्टिट्यूशन लिखना, लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू z, सॉल्यूशन, लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू z, यानी दिस इंप्लाइज दैट 2x dx इज इक्वल टू कितना होगा dz। अच्छा 2x dx आ गया ना, तो इसका मतलब कल को x की भी वैल्यू की जरूरत पड़ सकती है, और x बराबर देखते हैं क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू अंडर रूट z, यानी हम अंडर रूट z क्यों लिखे, हम इसको लिख देते हैं z टू दी पावर 1 अपॉन 2, लिखा जा सकता है, नोट कर। अच्छा इसका मतलब यहां सुधार करो, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल टू dz अपॉन 2 इंटू x, और x की वैल्यू z टू दी पावर 1 अपॉन 2, सहमत हो सारे लोग, नोट करो। अच्छा इधर किधर लिखे थे, इधर तो नहीं लिखे थे, इधर लिखे हो ना, हाँ आज की डेट पर साइन करवा दो, और इसी लाइन में चला रहा, दूसरी लाइन में नहीं, सारे को नोट किए। आओ लिमिट की चर्चा करते हैं, लिमिट देखना, लोअर लिमिट, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब आप x बराबर 0 रखोगे लोअर लिमिट, तो आपको क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू 0। अच्छा व्हेन x इज इक्वल टू इंफिनिटी, बोलो x इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो z भी आपको कितना मिलेगा, z आल्सो इज इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब लिमिट में कोई चेंज होने वाला नहीं है, नोट कर। वैसे इक्वालिटी जो है ना अप्रोचेस की जाने इतना समझते हैं, अप्रोचेस ट्रूट कर दिया जाता है, ठीक, नोट करो आगे बोला जाए, उठाओ सारी वैल्यू और सब्स्टिट्यूट करो, देखो कितना मिलेगा दिया को, इसलिए इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर के कहां तक इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स is equal to integration from 0 to infinity e to the power minus z, क्योंकि हमने x square बराबर कितना माना z, और dx की जगह पर देखो हम लोग क्या लिखेंगे, dx की जगह लिखेंगे dz upon 2 into z to the power 1 upon 2, सारे लोग सहमत हो, नोट कर। ठीक फिर देखना, दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, सारे लोग इधर देखो, क्या 1/2 को बाहर किया जा सकता है, सारे लोग ऊपर देखो इधर 1/2 को बाहर कर सकते हैं, हम 1/2 को धीमे से बाहर निकालते हैं 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से कहां तक जाएगा इंफिनिटी, अब आगे का हिस्सा देखना, ये लिखा गया e टू दी पावर माइनस z, और z की पावर 1/2 को ऊपर ले जाओ तो ये बना z टू दी पावर माइनस 1/2 dz, आया ना, अब उतना आगे फिर देखो, पहले इधर देखते यार, कभी नहीं समझो, अब मना करते रहते हैं, पहले इधर देख, जब पहले इधर देख लो तो देख लिया करो, नहीं देख के एक्सप्रेशन शॉर्ट कर देंगे उसके बाद नहीं समझ आएगा, 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस z, और इसको हम लिख रहे हैं z टू दी पावर 1/2 माइनस 1 dz, आधे में से एक निकाल दो, माइनस हाफ बचेगा कि नहीं बचेगा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और तुम एक चीज और करो, जरा मेरे को ये बताओ गामा n क्या होता है, गामा n जो हमने शुरुआत में गामा की डेफिनेशन के वक्त लिखाया था, बोलो गामा n कितना, गामा n इज इक्वल टू इंप्रॉपर इंटीग्रल फ्रॉम 0 से लेकर के इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस x x टू दी पावर n माइनस 1, और साथ में कितना, हाँ है ना, अब जरा कंपैरिजन कराते हैं, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी 0 से इंफिनिटी, सारे लोग सहमत हो, पीछे वाले भी क्या, अरे यार पहले घर सबसे पीछे, अरे नीली शर्ट काली शर्ट कौन, हाँ यार नाम नहीं याद है, नाम याद करेंगे धीमे धीमे, इधर पहले देखो ना कंपैरिजन करा रहे हैं, हाँ पता है कंपैरिजन गणित की दुनिया का अमिताभ बच्चन है, इसकी कोई थ्योरी नहीं होती, काम बड़े बड़े करता है,
इसीलिए कंपैरिजन कराते वक्त आंख नाक कान सब खुले रहना चाहिए, पता चलेगा दिमाग बंद रहे चलेगा, आंख नाक कान खुला रहना चाहिए, क्योंकि दिमाग एक बार बंद हुआ ना तो उसको खोला जा सकता है, आंख नाक कान बंद हुआ तो दिमाग बेचारा वैसे बंद हो जाता है, इसीलिए कंपैरिजन कराते वक्त ख्याल रखो। सुनो, इंटीग्रल जीरो से इंफिनिटी आया ना, ई टू दी पावर माइनस एक्स, ई टू दी पावर माइनस जेड, तो मेरा वेरिएबल कौन था एक्स, यहाँ वेरिएबल कौन है जेड, अपने से कोई फर्क नहीं पड़ता, देखा जाएगा एक्स टू दी पावर जितना माइनस वन, सुनो एक्स की पावर जितना माइनस वन उतना ही गामा होता है कि नहीं, क्या लिखा जेड की पावर जितना माइनस वन उतना ही गामा होगा कि नहीं, यानी ये आंसर आएगा वन अपॉन टू, पहले से था गामा हाफ और कल गामा हाफ निकाल के गए थे कितना पाई, यानी ये आया अंडर रूट पाई और बटे कितना हाफ पाई, क्या यही आंसर था। अब ये बात कहते ना सिंस दिस इज इक्वल टू अंडर रूट पाई, डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट डिपेंड ऑन द वेरिएबल, तो अपने क्या करेंगे एक्स को हटा करके जेड कर दो, तुम्हारा ऊपर वाला इंटीग्रल तैयार है, नोट करो हो गया है। एक इंटीग्रल है ठीक है, जिसको सॉल्व करने के दौरान फोरियर सीरीज का एक इस्तेमाल होता है मजबूरी ही करना, एक इंटीग्रल है उसको सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो फोरियर सीरीज का इस्तेमाल होगा, तुम्हारे यहाँ पहले सेमेस्टर में फोरियर सीरीज नहीं रखी गई है ये भी अलग बात है, लेकिन ये याद रखना हम जहाँ पर एक ही जगह पर इस्तेमाल होता है उस एक जगह पर हम एक वैल्यू लिखेंगे, वो वैल्यू किसी तरीके से तुम याद करो, मजबूरी है फोरियर सीरीज होता तो हम यहाँ फोरियर सीरीज पढ़ा देते और तब हम दिखाते कि फोरियर सीरीज की वजह से ये कैसे सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अभी फोरियर सीरीज यहाँ नहीं है उसको रखे हुए तीसरे सेमेस्टर में, तो जब तीसरे सेमेस्टर में आओगे तब हम तुमको दिखाएंगे फोरियर सीरीज होती क्या है और किस तरीके से वहां पर बाकी का काम किया जाता है, कि यहाँ जब यूज होगा ना वहां हम एक लाइन लिख देंगे और तुम वहां पर लिख लेना, इसको अपनी याददाश्त में संजो करके रखें, यही बात वहां लिख लेना ठीक, बस एक बात याद करना रीजन, अगर वो इंटीग्रल नहीं करवाएंगे ना तो ना जाने कितने और सवाल उसके जैसे छोड़ने पड़ेंगे, इसलिए मजबूरी है करा दे रहे हैं ठीक, चर्चा हुई चर्चा में यही बात आई कि ना ही कराया जाए तो बेहतर है, लेकिन मन नहीं मान रहा है क्योंकि उसका यूज कई जगह पर है, तो हम करा दे रहे हैं इतना तो संभाल लोगे ना, एक बात रटने में तो वैसे उस्ताद हो तुम लोग, रट तो लोगे ही लोगे, मिटाए दे इसको पूरा। शुरुआत करते हैं, ये पंखा सीरीज में जो है ना मेरा वाला बंद नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिजली चली जाए तभी अच्छा है, इसकी आवाज बढ़िया आती है, खड़ 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 अभी करेगा ये प्रॉब्लम होते हैं ना, हाँ तार काटने का अरे नहीं यार, उसके बाद इसकी संपत्ति का नुकसान क्यों करते हो, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रूव दैट, लिखना प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इंफिनिटी, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी एक्स टू दी पावर पी माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल, अगर आपको इंटीग्रेट करना इंटीग्रेशन फ्रॉम वन टू पी माइनस वन, सॉरी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी एक्स की पावर पी माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपको मिलेगी पाई अपॉन साइन पी पाई, ये पाई अपॉन साइन पी इंटू पाई, जहां पर पी की वैल्यू जीरो से वन के बीच में रहेगी, यहां पर लिख देना
t is less than 1 and greater than 0. पर सॉल्व करने पर पता चलता है क्यों आपको p की वैल्यू 0 से 1 रखनी है। बात समझो, ये इंटीग्रल कैसा है? इंप्रॉपर इंटीग्रल कैसा है? इंप्रॉपर। और एक इंप्रॉपर इंटीग्रल कुछ शर्तों को मानते हुए अगर अपनी वैल्यू देता है तो वो इंटीग्रल कन्वर्जेंस कहलाता है। सीक्वेंस में कन्वर्जेंस आया होगा। कन्वर्जेंस का मतलब क्या? कन्वर्जेंस का मतलब यही है कि आपका नेचर कहीं पर रुकता हुआ थमता नजर आए। जैसे हम एक सीक्वेंस ले लें, अगर हम सीक्वेंस ले रहे हैं जिसका पहला पॉइंट 1 है और अगला पॉइंट 1/2 है, अगला पॉइंट 1/3, अगला 1/4, इस तरीके से सीक्वेंस है, मेरे को एक बात पता चल रही है कि लगातार इसमें आने वाले टर्म घट रहे हैं, लगातार घट रहे हैं। पहला 1 तो दूसरा 1/2, अगला 1/3, अगला 1/4। अब सोचो घटते 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 ये लोग, जब कोई चीज कम हो रही है तो क्या एक दिन खत्म होने की तरफ बढ़ रही है कि नहीं? लेकिन मेरे को ये भी पता है पूरा सीक्वेंस 1/n टाइप का है, और अगर 1/n टाइप का है तो n तो आपका नेचुरल नंबर है, नेगेटिव हो नहीं सकता। तो कोई चीज कम होते 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 चल किसकी तरफ रही है? जीरो की तरफ। अगर इसको रोका ना गया होता तो ये नेगेटिव की दुनिया में चली जाती। लेकिन मुझको पता है यहाँ जिसको सजाना है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, और नेचुरल नंबर जो भी होते हैं वो सारे के सारे कैसे? पॉजिटिव। तो आप कभी नेगेटिव की दुनिया में नहीं जा सकते, उसके बावजूद भी आप किसकी तरफ चल रहे हो? जीरो की तरफ। आप नेगेटिव नहीं जा सकते, उसके बावजूद आप चल किसकी तरफ रहे? जीरो की तरफ। इसका मतलब आप जीरो की बाउंड्री को पार नहीं कर सकते, और जब आप जीरो की बाउंड्री को पार नहीं कर सकते तो आपका नेचर जीरो पर सिकुड़ता हुआ कहा जाएगा। इसी को कहते हैं आवर सीक्वेंस, सीक्वेंस 1/n कन्वर्जेंस टू द सी। कन्वर्जेंसी पता चली? जैसे हम लिखें कॉन्स्टेंट सीक्वेंस 1, 1, 1, 1, 2, 1। अब तो मेरी लैंग्वेज को मुझको कहो, सर आप तो कहते हैं कन्वर्जेंस का मतलब होता है सिकुड़ता हुआ सीक्वेंस। अब ये तो सिकुड़ नहीं रहा, तो हम कहेंगे हाँ सिकुड़ नहीं रहा क्योंकि ये सिकुड़ चुका है। सूखा आदमी और कितना सूखेगा भाई? बात सीधी है, किसी आदमी को खाना पानी मिलवे नहीं कर रहा, वो एकदम चूसा आम हुआ पड़ा हुआ है और कितना खटखट चपक जाएगा। अब तो बस उसके उठने के दिन आ चुके हैं। तो सेम कंडीशन इसके साथ है। इसका हर टर्म कितना है? 1। हर टर्म कितना? 1। पहला टर्म पूछोगे कहेगा 1, दूसरा 1, तीसरा 1। डोलेगा ही नहीं, जो डोल ही नहीं रहा है वो क्या कहीं दूर निकल पाएगा? नहीं। ऐसे लोग भी क्या कहलाएंगे? कन्वर्जेंट। अपनी जगह पर थमा पड़ा हुआ है। ये लोग चल रहे हैं, ये लोग जिंदा आती मुर्दा नहीं है। अगला 1, फिर 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, 1/5। लेकिन सोचो ये लोग जिंदा होने के बावजूद भी मरने की तैयारी में है, कहां पर? जीरो पर। तो ये लोग कन्वर्जेंट टू जीरो कहे जा रहे हैं। ये बड़ी जल्दी वाली चीज आती है। अंकुल मिश्रा, विकास कुमार, पुष्कर, विवेकानंद पांडे, अभिषेक, रमेश यादव, अवनीश, दीक्षा, विकास यादव, प्रयास, अर्जुन, मोहम्मद अफजल, शिवम कुमार, अगला सौरभ कुमार, गौरव शुक्ला, रोशन पांडे। तुम्हारी एब्सेंटी लगा देना, कल नहीं आए थे। कौन सा? उससे क्या होता है? एक के साथ एक फ्री, कल की एब्सेंटी के साथ आज की एब्सेंटी फ्री। आदित्य प्रजापति, एक तो वैसे सीजन चल रहा है ना दुर्गा पूजा का। आयुषी पांडे, फिर ये यहाँ आ गए। ये किसके पास? अच्छा 16 के बाद इधर आकर के निकली, ठीक है। ज्योति यादव, हर्षिता शुक्ला, उमे कुसुम, सीजा बानो, साइजा सीजा क्या पढ़ती है? सीजा, शिवांगी, शानू, बबीता, बबीता कहाँ है? अन्नू, काजल, अगला शिवानी पाल, श्वेता, मोहिनी, सानिया, शिवानी, शिवानी शर्मा, आंचल, शशि, कीर्ति, पूर्णिमा, प्रियांशी, प्रज्ञा, आंचल, इसके बाद अंतिमा, शिखा, खुशी। अपने जानबूझ करके निगाह उठा के देखते, किसी दूसरे का अटेंडेंस ना चढ़ाओ। शालिनी यादव, श्रद्धा, नैन्सी, काजल,
शशि साक्षी सिंह, आयुषी पांडे, आकृति श्रीवास्तव। चल शुरुआत। नहीं, ये इतना मेरे को टाइम खर्चा करना पड़ेगा अपनी क्लास का कि अटेंडेंस मेंटेन रहे, कम से कम जो पढ़ रहे हो पढ़े तो। हाँ तो सुनो, बात बता रहे थे कन्वर्जेंसी। जब आपका पूरा सीक्वेंस एक ही टर्म को लेकर के भरा पड़ा हुआ है, यानी सीक्वेंस में कोई और टर्म नहीं आ रहा है, तो आपका सीक्वेंस कैसे नेचर का? कन्वर्जेंट नेचर का। अगर हम सीक्वेंस में केवल तीन टर्म है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तुम गौर करो सीक्वेंस में कितने टोटल टर्म होते हैं? इनफाइनाइट। सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म कितने? इनफाइनाइट। और आप हर टर्म पर बार बार रिपीट करो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सो वा। इसका मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि सीक्वेंस का पहला टर्म, कहेंगे 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 1, लौट आए कि नहीं लौट। लेकिन फिर अगले पे क्या, 1 2 3, हम थोड़ी दूर चलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर लौट रहे हैं, फिर चलने की कोशिश कर रहे हैं फिर लौट रहे हैं। क्या कोई मुझको आराम से बैठने दे रहा है? नहीं। और जब कोई आपको आराम से बैठने नहीं दे रहा है, अब घूम फिर करके आप वहीं आ रहे हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो नेचर आपका हुआ ऑक्सिलेटिंग। सीक्वेंस आपका कैसा हुआ? ऑक्सिलेटिंग सीक्वेंस। लेकिन ये भी कहा क्या जाएगा? डाइवर्जेंट। दुनिया में जो कन्वर्जेंट नहीं है वो क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट की अलग अलग कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है प्रॉपर डाइवर्जेंट, भाग जाओ प्लस इंफिनिटी या भाग जाओ माइनस इंफिनिटी, एक के जगह भागना है। या तो भागते भागते कहां तक दौड़ो? प्लस इंफिनिटी। और या तो गिरते गिरते कहां तक गिरो? माइनस इंफिनिटी। ये आपका होता है प्रॉपर डाइवर्जेंट। और एक ऐसा होता है जिसमें आप इधर उधर छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा तुष्टा रुष्टा छड़े छड़े ऐसी बातें कर रहे हो। तो एक बार प्लस वन एक बार माइनस वन, लिमिट दे रहे हो आप, एक बार प्लस वन एक बार माइनस वन, माइनस वन टू दी पावर एन, हाँ या ना? एक बार आप और माइनस वन टू दी पावर एन इंटू एन, गौर करना, हम सीक्वेंस ले रहे हैं माइनस वन टू दी पावर एन इंटू एन। अब एक बार आपकी लिमिट आएगी प्लस इंफिनिटी और एक बार माइनस इंफिनिटी। ये जो आप इधर उधर भाग रहे हो ना थोड़ी देर में, ये थोड़ी देर में जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कंटिन्यूअसली आप अपनी जगह बदल रहे हो लेकिन लौट करके वहीं आ रहे, इसको कहते हैं इम्प्रॉपरली डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट की दो कैटेगरी होती है। दुनिया में जो कन्वर्जेंट नहीं है वो डाइवर्जेंट होगा, लेकिन डाइवर्जेंट की अपनी दो कैटेगरी होगी। अगर एक लिमिट आती है, केवल और केवल एक लिमिट, आइदर प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, तो आप प्रॉपर डाइवर्जेंट हो। और अगर आपकी दो लिमिट आ रही है, कभी कुछ, तो आप कैसे हो? इम्प्रॉपर डाइवर्जेंट हो। इसी तरीके से किसी इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात होती है, अगर कुछ शर्तों के साथ या बिना किसी शर्त के साथ आप फॉलो करते हुए चलो और आपको इंटीग्रल की कोई वैल्यू मिल जाए, इंटीग्रल कैसा? इम्प्रॉपर। लेकिन आपको इसकी कोई वैल्यू मिल रही है तो सोचो इंटीग्रेट कहां से कहां हो रहा है, जीरो से इंफिनिटी, उसके बाद भी ये कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब मेरा सीक्वेंस क्या कहलाएगा? कन्वर्जेंस कहलाएगा। क्लियर है? ऐसे सीक्वेंस को हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। और कन्वर्जेंसी होने के लिए ये कंडीशन रिक्वायरमेंट है। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हुई तो आपके इस सीक्वेंस की वैल्यू ये नहीं कही जा सकती, यानी तब आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा। और जो कन्वर्जेंट नहीं होगा वो कौन होगा? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट के लिए हम वैल्यू निकालने नहीं जा सकते। आई बातें समझ में? तो ये कंडीशन कन्वर्जेंसी के लिए जरूरी है। कौन सी? पी लाई बिटवीन 0 एंड 1। आई बातें समझ में? चाहे तो यहां पर लिख देना, ऐसे लिख लो, दिस कंडीशन इज नेसेसरी, लिख देना दिस कंडीशन इज नेसेसरी, दिस कंडीशन इज नेसेसरी फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल, फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल ये जो कंडीशन लगी पी लाई बिटवीन 0 एंड 1, ये इस इंटीग्रल के कन्वर्जेंट होने के लिए जरूरी शर्त है, नेसेसरी। चलो अब इंटीग्रल की वैल्यू निकालने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity x to the power p minus 1 upon 1 plus
x dx is equal to, ये बताओ डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी तुम लोग जानते हो, अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं x1 से लेकर के x4 तक, कहां से x1 से लेकर के x4 तक, तो हम इस पूरे इंटीग्रल को टुकड़े में भी तो कर सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 से x2 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x2 से x3 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x3 से x4, हाँ या ना। तो ये तो हम जीरो से इंफिनिटी जा रहे हैं, इसको हम दो हिस्से में ब्रेक कर लेते हैं, हम एक बार करते हैं, this is equal to integration from 0 से 1 x to the power t minus 1 upon 1 plus x dx, और दूसरा कर देते हैं प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेकर के इनफिनिटी x to the power t minus 1 upon 1 plus x into कितना dx, सही या गलत, नोट करो, नोट करो साथ ही साथ समझते हुए चलना। जीरो से शुरू करके कहां तक करना है इंफिनिटी, हम इसको दो हिस्से में ब्रेक करते हैं, पहले तो हम जीरो से कहां तक कर दिए वन तक, और उसके बाद वन से लेकर के कहां तक कर दिए इंफिनिटी, कायदे से हमने किया जीरो से लेकर के कहां तक इंफिनिटी, आई बात समझ में। और ये हम लोग लिख पाते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से, अगला काम ध्यान दें, जो आपका सेकेंड इंटीग्रल है इसी सेकेंड इंटीग्रल को हम लोग सॉल्व करने की पहले कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहला इंटीग्रल आपका प्रॉपर हो चुका है, गौर सुनो, पहला इंटीग्रल इंप्रॉपर नहीं रहा, पहला इंटीग्रल आपका कैसा हुआ प्रॉपर हो गया है। अब दूसरे वाले इंटीग्रल को अभी भी देखें तो उसका रीजन कितना है, वन से इंफिनिटी, यानी कि आप जिस लेंथ में आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, जिस इंटरवल में आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, वो लेंथ कैसी है, इनफाइनाइट लेंथ है, और जब इनफाइनाइट लेंथ है तो मेरा दूसरा वाला इंटीग्रल अभी भी कैसा बना हुआ है, इंप्रॉपर बना हुआ है। सेकेंड इंटीग्रल में जहां x है उसकी जगह आप 1 अपॉन t ले, यही बगल में बता रहा हूं, यही बगल में बता रहा हूं, इन सेकेंड इंटीग्रल टेक x इज इक्वल टू 1 अपॉन t, दूसरे इंटीग्रल में आप x की जगह पर कितना ले लीजिए 1 अपॉन t, और सोचो जब आप x की जगह 1 अपॉन t लोगे तो लिमिट सोचो वहीं बगल में बता दे रहे कितनी बदलेगी, दिमाग दौड़ा, जब आप x = 1 करोगे यहां दिमाग दौड़ाना, दिस इंप्लाइज दैट, यानी t बराबर कितना होगा 1 अपॉन x, अब लिमिट देखना, जब आपका x = 1 हुआ तो x = 1 t आल्सो = 1, लोअर लिमिट तो सेम रहेगी, अपर लिमिट का हाल देखो, एट x is equal to infinity, t is equal to 1 upon infinity, that is 0. यानि इस बार integration होगा 1 से लेकर के कहां तक 0. Clear है ये बात है? Note कर इतनी बात. Upper limit 0, lower limit 1. जो यहां formula use करें ना, हाँ भी तो दिक्कत हो रही है. आए और काम भी नहीं पूरा करता है. Copy वापे लेकर के काम पूरा कर लेते, काम बन जाता है. कितने बजे घर पहुंचे ईमानदारी से आज सुबह 4 सो गए घर भी नहीं पहुंचा, उसके बाद गया घर, घर गया हुआ आ गया, बड़ी बिजी लग बड़ी बिजी लग, क्या किया जा सकता है, ट्रस्ट हो तुम भी ट्रस्ट है हम भी, कुछ नहीं हो सकता, चलो वैल्यू पुट करते हैं, देखो कितना मिलेगा, दिस इज इक्वल पहला तो एज इट इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर के वन एक्स टू दी पावर पी माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स और साथ में कितना ए, सहमत हो सारे लोग, प्लस अगला भाग देखना इंटीग्रेशन, ये जो वन से इंफिनिटी था अब ये कितना चलेगा, वन से जीरो चलेगा, 1 से लेकर के कहां तक 0 तक, अब जरा वैल्यू पुट करो, x की जगह आपको क्या रखना है
वन अपॉन टी। तो ये बताओ अगर एक्स की जगह वन बाई टी रखे, ये लिखा गया है वन अपॉन टी की पावर, इतना समझना, टी की पावर टी माइनस वन होल डिवाइडेड बाई वन प्लस, तो इसकी जगह कितना वन अपॉन टी। जरा कोई मुझको बताएगा डी एक्स की जगह पर क्या रखें, यहां से देखना अगर हम इसको देखें तो डी एक्स इज इक्वल माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर और साथ में कितना हाँ या ना, सारे लोग सहमत हो, तो डी एक्स की जगह पर रख दिया जाए माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर और साथ में कितना डी क्यू। नोट करो पूरा इंटीग्रल, इसको समझते हुए चलो, एक ऐसा इंटीग्रल है जो कई जगह पर हम इसकी वैल्यू को सीधे इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी देर के बाद ही क्या ये कैसे आया? अच्छा सुनो सुनो, x इज इक्वल टू वन अपॉन टी है, उठा करके कर दो टी बस, अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन लगाओ, डी एक्स इज इक्वल टू t की माइनस वन का माइनस वन इंटू टी की माइनस वन माइनस वन और साथ में कितना डी टी, यानी कि माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर साथ में डी टी। चलो इधर ध्यान देना, साथ में बने रहो, दिस इज इक्वल टू निकाल लाना इस पर इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर के वन एक्स टू दी पावर बी माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स और साथ में कितना डी एक्स। सारे लोग इधर देखो वापस, ये वाला जो माइनस साइन है ये जो नजर आ रहा है इस माइनस साइन को लिमिट के साथ बैलेंस करो, कब जाएगा तो ये आपको मिलेगा प्लस इंटीग्रेशन लिमिट पलट दो जीरो से लेकर के कितना वन आया ना। और सुनो बाकी वाला हिस्सा निपटा रहे हैं, इधर देखना रफ वर्क कर रहे हैं, जो लिखा गया वो लिखा गया है वन अपॉन टी की पावर टी इंटू टी की पावर माइनस वन, सही है गलत टी की पावर पी माइनस वन, अपने क्या करते हैं इस टी की पावर माइनस वन को उठा करके ऊपर कर देते हैं। फिर देख हाँ कई लोग झूल गए तुरंत है, यह पूरा लिखा है, लिखा गया वन अपॉन टी की पावर पी, ऐसे भी नहीं हम और ढंग से लिखते हैं, लिखना मत सब बस देखते रहो, वन अपॉन टी की पावर पी माइनस वन ठीक अपॉन इधर का हाल देखना क्या हुआ दिख नहीं रहा, अरे बच्ची हमको तो आगे आना पड़ेगा लिखने के लिए ना, अब ऐसा तो नहीं सकता उल्टे लटक करके इसको लिखेंगे, इधर देखना टी इंटू वन कितना आया टी प्लस वन अपॉन टी, यानी कि वन प्लस टी अपॉन कितना लिखा जा सकता है कि नहीं, और ये बगल में कौन सा पड़ा है वन अपॉन टी स्क्वायर, तो इंटू ये ऊपर मौजूद है वन अपॉन टी स्क्वायर, सही या गलत हाँ यार। अब गौर करना ये जो टी की पावर माइनस वन है इसको यहां से निकाल के ऊपर भेज दें तो टी की पावर वन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और अगर ये टी की पावर वन होगा तो यहां हम लिख दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए टी की पावर वन और इस माइनस वन को चलेगा, अब गौर करना टी की पावर वन और टी की पावर वन बैलेंस कर सकते हैं कि नहीं, समझ में आई ये बात है, क्या ये कैलकुलेशन हम डायरेक्ट करें या रफ पर कहीं दिखाओ दिखाओगे कहीं रफ पर दिखाओ तो ऐसे ही लिख करके रफ पर दिखाना, ये वन अपॉन टी स्क्वायर बैलेंस में वो हम बाद में निपटाएंगे, जिनको तकलीफ लग रही है वन अपॉन टी स्क्वायर से हम वो भी तकलीफ दूर कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, वैसे मेरे को इतना डीप कैलकुलेशन नहीं बताना चाहिए यार लेकिन फिर भी चलो ठीक है सुनो इधर बात सुनो 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 बेटा वापस सुनना सुनो आई जान गए यार तुम लोग कहाँ फंसे थे, वो एक स्टेप गलत हो गया ना तभी बेटा दे सुनो वन अपॉन टी की पावर सुन भैया पी माइनस वन सहमत हो अपॉन अगला देखना टी प्लस वन अपॉन कितना टी और इधर बगल में बैठा है इंटू वन अपॉन कितना टी स्क्वायर, हम इसको लिख रहे हैं दिस इज इक्वल टू t
टी की पावर माइनस वन हाँ ऊपर भेजते हैं तो ऊपर आया टी, और ये जो टी है ना इसको भी ऊपर चढ़ा लो, तो एक टी पहले से ये हो गया कितना टी स्क्वायर अपॉन ये आपके पास बचा केवल और केवल टी की पावर टी, और इसको भी बगल में लेकर के आओ वन प्लस टी सहमत हो, और इनटू बगल वाला वन अपॉन टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर ये टी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। अब रुकना फिर अगला स्टेप सुनो, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ये जो टी की पावर टी है ना इसको ऊपर करो, ये ऊपर करोगे तो हो जाएगा टी की पावर माइनस टी और डिवाइडेड बाई नीचे बचा का वन प्लस टी, तो ये जो तुमको इतना दिख रहा है इसकी जगह एक बात लिख सकते हैं टी की पावर माइनस टी अपॉन वन प्लस टी इंटू कितना टी, सही या गलत। अब रफ कैलकुलेशन ये कर लो तुम लोग क्योंकि बाद में पढ़ना तुम्हें को याद तुम्हें को रखना है, नोट करो फटाफट करते रहो उसके लिए तो कंप्लीट ही है। वो हम टी की माइनस वन ऊपर गया ना उसको नीचे से उड़ा दिया गलत, एक काम के लिए आज सुबह से कैलकुलेशन मिस्टेक करने की कसम खा करके आए, सुबह सुबह में कैलकुलेशन कर रहे थे उसमें हम एक्सपेंशन कर रहे हैं और एक्सपेंशन में हम गलत कर रहे हैं, और मेरे को यह नहीं पता चल रहा है कि हम एक्सपेंशन गलत कर रहे हैं और लिमिट आनी चाहिए इन्फिनिटी, मेरी लिमिट आ रही है बार जीरो। अच्छा ये मेरे को पता है, जब आप पढ़ाते पढ़ाते एक लंबा वक्त बिता लेते हो तो आपको पता है फला सवाल में यह आंसर आएगा तो याद हो जाता है इतना, ये मेरे को पता है। यार फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, थर्ड ईयर तक आप फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, वहाँ आप ये गड़बड़ी कर रहे हो, लेकिन फिर भी हम सोच रहे गड़बड़ी हो रही है तो हो कहाँ पर रही है, और जानते हो कब याद आया, अभी डिपार्टमेंट बैठे हुए थे तो फिर कलम लेके के लाओ एक और बार करते हैं, एक और बार उसको कुछ कुछ कर रहे थे तब पता चला तीन लाइन का आंसर आ गया मेरा, तीन लाइन में कैलकुलेशन खत्म, बाद में सुबह से मूड में गलतियाँ करने की यही हो, मतलब जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ये हो गया सकता मिटा दिया ऑफ कैलकुलेशन। ध्यान देना, चलो सारे लोग वापस आओ। अच्छा ये सोचो सुनो ध्यान देना, क्या तुमको इन दोनों में कुछ समानता दिख रही है, कुछ इक्वल इक्वल क्या लिखा x की पावर और ये क्या लिखा t की पावर माइनस टी, ये लिखा वन प्लस एक्स ये लिखा वन प्लस टी, कुछ एक जैसा लग रहा है ना, एक थ्योरी लगाते हैं डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट डिपेंड ऑन द वेरिएबल आया ना, और अगर डेफिनेट इंटीग्रल वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता तो हम क्यों टी को लेकर के घूमे, हम टी को भी एक्स कर देंगे, सही या गलत। यानी अब हम लोग कर रहे हैं दिस इज इक्वल टू, अब ये मत सोचना कोई सर वहां तो आपने एक्स बराबर इतना माना तो वहां से रखे, ना 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 हम वहां से नहीं रखेंगे, हमने वहां से सॉल्व करते करते इसको यहां तक पहुंचा दिया। अब मेरे पास बड़ी साफ सुथरी थ्योरी है डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट डिपेंड ऑन द वेरिएबल, हम सीधे इस वेरिएबल टी को हटा देंगे किसी नए वेरिएबल एक्स से, आई बात समझ में, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर के कितना वन और एक्स टू दी पावर टी माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर के कहाँ तक वन तक और एक्स टू दी पावर माइनस टी अपॉन वन प्लस एक्स और साथ में कितना डी एक्स, कोई दिक्कत किसी को नोट करो। सब लोग लिख चुके हैं, अब पहले इंटीग्रल में कुछ बदलाव करेंगे, पहले इंटीग्रल का बदलाव देखना, जो लोग लिख रहे हैं लिखने को चालू करें आगे। चले यार ध्यान देना, पहला इंटीग्रल बदल रहे हैं दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर के वन एक्स की पावर टी माइनस वन को बाहर कर रहे हैं, ठीक है एक्स टू की पावर टी माइनस वन बाहर ब्रैकेट का हाल देखना, अब आपके पास बचा वन अपॉन वन प्लस एक्स आया वन अपॉन वन प्लस एक्स को ब्रेक कर देते हैं, इसको ब्रेक कर रहे हैं वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स डी एक्स, चेक करो सही या गलत, मल्टीप्लाई करो वन प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट बचा कितना वन अपॉन वन प्लस एक्स, ब्रेक किया जा सकता है
ये कितना लिखा 1 माइनस x अपॉन दिस। अब दूसरा इंटीग्रल एज इट इज आप लिखो 0 से लेकर के 1 x टू द पावर माइनस p अपॉन 1 प्लस x dx। नोट कर, नोट कर, बोझ नहीं डालें, एक एक लाइन समझाते हुए चलो। हाँ कौन सा पहला वाला, उसको बाहर कर दिया इसकी पावर पी माइनस। और जो दूसरा वाला था कौन सा 1 अपॉन 1 प्लस x, उसको ब्रेक करके 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x लिख सकते हैं, तो उसकी जगह उसको कर दिए। इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए जितना जोड़ तोड़ हो सकता है वो तो सारा हम अप्लाई करते हैं, कोई रूल नहीं, जितना तोड़ सकते हो उतना तोड़ो, जैसे लगा सकते हो वैसे लगाओ। ठीक, नोट करो। अब एक काम करो, ये जो x की पावर p माइनस 1 अब तक तुमने बाहर किया था ना, इसको अंदर भेजो, और अंदर भेजने के दौरान इंटीग्रल को ब्रेक करते हुए अलग अलग टुकड़े में लिख देना। ध्यान से सुनना, हम इसको लिख रहे हैं दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के 1 और x की पावर p माइनस 1 इनटू 1 x की पावर p माइनस 1 और साथ में कितना किया dx, लीनियरिटी अप्लाई करते हैं। अब फिर करना माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के 1 x की पावर p माइनस 1 इनटू x x टू द पावर p अपॉन 1 प्लस x और साथ में कितना dx, उधर का हाल देखना, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के 1 x टू द पावर माइनस p अपॉन 1 प्लस x और साथ में कितना dx, लिखा जा सकता है कि नहीं। अगला काम, एक और लाइन चल रही है, दिस इज इक्वल टू, रुको एक लाइन चल रही है तब लिखना, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के 1 x टू द पावर p माइनस 1 और साथ में कितना dx। अब इधर से काम करते हैं ना, माइनस को कॉमन करना, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक, इधर का हाल देखो x टू दी पावर p माइनस x टू दी पावर, चूंकि माइनस कॉमन किए ना इसलिए ये वाला माइनस हो गया और ये वाला प्लस हो गया, अब होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस x साथ में कितना dx, लिखा जा सकता है कि अब नोट करो पूरा। हाँ याद रखना पड़ता है ऐसे ही, क्या समझ नहीं आ रहा माइनस कॉमन करते हैं तुम लोग विदर्भ गए ना, कभी कभी यूं ही मेरे दिल में ख्याल होता है कोरोना के बाद जैसे भूचाल होता है। कोरोना के बाद की दिक्कत है, कैलकुलेशन हम बहुत शॉर्ट कर रहे हैं, पता है डिग्री कॉलेज लेवल पर तुम गलत है लेकिन फिर भी जो है सही है, डिग्री कॉलेज लेवल पर इतनी डीप कैलकुलेशन अलग अलग नहीं किया, कई बार हम लोग सीधे करते हैं, हम लोग मतलब बाकी लोग सीधे कैलकुलेशन करते हैं। माना ये जाता है कि आप इतनी कैलकुलेशन इंटरमीडिएट में सीख करके आए हो कि आपको ये बातें समझ आ रही है, लेकिन फिर भी अन्यथा मतलब हमको भी पता है कि कोरोना के बाद पढ़ाई की क्या व्यवस्था रही है, तो अपने फिर भी बताएंगे, एक एक बताएंगे, पहले भी बता दिया आज कोरोना आता ना आता हम तो ऐसे ही है। सुनो ये प्लस पर ये माइनस ये प्लस, सारे लोग उधर देखो, सारे लोग माइनस को हमने कॉमन किया, हाँ यार माइनस कॉमन किया, देखो ये ब्रैकेट लगाया, समझे कि नहीं समझे, माइनस कॉमन किया ब्रैकेट लगाया। अच्छा माइनस कॉमन करते ही ये इंटीग्रल किसमें हो गया प्लस में और ये इंटीग्रल किसमें हो गया माइनस में, क्या दोनों का ये इंटीग्रल 0 से 1 0 से 1 से था, तो हमने बाहर किया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1, सारे लोग सहमत हो, क्या दोनों का बेस सेम है, बेस मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, 1 + x 1 + कॉमन लिया 1 + x एलसीएम लिया, और उसके बाद ऊपर क्या बचा x की पावर p और इधर कौन बचा x की पावर माइनस p और ये नेगेटिव हो गया तो बीच का माइनस वन बाकी सामने। अब इस ब्रैकेट को लगाने की मुझको यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, ये ब्रैकेट हम लगाएं और चाहे ये ब्रैकेट हम ना लगाएं, कहाँ पर x की पावर p, ये वाला और ये आप तो मल्टीप्लाई ही नहीं देख रहे हो, असल में तुम साथ में छाप रहे हो, बहुत गलत बात है, साथ में छापोगे तो यही हरकतें होंगी और बाद में मेरे से कहोगे सब समझ नहीं आया, दूसरे से कहोगे मेरे साथ समझाते नहीं है, क्या करें। सुनो इधर देखो, बड़ी सिंपल सिंपल सी चीज ना, यही हम समझा रहे हैं तुम लोगों को, अभी तुम लोग इंटर पास होकर के निकले हो, कहते हैं ना कि अभी एकदम पहली बार कदम रख रहे हो और ये गलतियां कर रहे हो, साथ में नहीं लिखा जाता है, जब हम तुमसे कह रहे हैं हम तुमको टाइम दे रहे हैं लिखने का तो तुम रुके रहो ना, कोई और टीचर टाइम नहीं देता होगा, हम ये भी मान रहे हैं, बाकी लोग आधे के लिखते होंगे आधा मिटाते होंगे तो वो टाइम नहीं देते, हम तो दे रहे हैं ना, हम दे रहे हो तो कम से कम मेरी क्लास में तो इधर कंसंट्रेट रहो, साथ साथ छाप करके क्या करोगे, दो मिनट बचा करके, दो मिनट बचा करके इधर उधर बस खाली बलराम खान खोपड़ी हिलाओगे, ये कौन, हम तुमको एक लाइन बता सकते हैं लेकिन अब हम तुमको टोक टोक के बताएंगे ना। सुनो
ये x की पावर कौन t माइनस, मैंने इसका अंदर में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया 1 में तो आपको मिल गया x की पावर t माइनस 1, लेकिन फिर कौन माइनस साइन, और ये x की पावर 1 या x की पावर t माइनस 1 गुणे में घात जोड़ती है x की पावर कितना p, वही तो x की पावर p है, बगल वाला तो है ये x की पावर t माइनस 1। अभी समझ में आया, अब साथ में ना छापना ना, अभी समझा रहे फ्रेंड से, बाद में एक काम क्लॉक वाइज एक एंटी क्लॉक वाइज डाले रखना, डायरेक्शन बदल जाएगा। चलो पहले वहां तक सब लोग अब नोट करो, अब आगे चलो, हो गया। पहले वाले को आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है, इसको बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, एक्स की पावर पी अपॉन पी और लिमिट जीरो से लेकर के वन तक, और इंटीग्रेट करते हैं, ध्यान देना इस और ये सारी वैल्यू, ये सुनो, ये सारी वैल्यू इसी इंटीग्रल की हो रही है, इसी इंटीग्रल की। नहीं तुम लोग अगर इतने धीमे धीमे छोटी छोटी कैलकुलेशन का ख्याल नहीं करोगे ना, टाइम ज्यादा लगेगा। हम ये भी नहीं कर सकते, हम बिना बताए भाग जाएंगे। ऑनलाइन लेक्चर ज्यादा जानते हो, कमेंट सेक्शन में क्या होगा, अरे ग्रेजुएशन में इतना कौन समझाता है। लेकिन अब हम तो अपने सामने वालों को देख रहे हैं ना, तो मेरे सामने वाले नहीं समझ रहे हैं तो हम क्लास को ऐसे थोड़ी ना हवाई में निपटा सकते हैं। अब जो बैठ करके घर पे देख रहा है उसको भी समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो कहेगा अरे इतना धीमे कौन समझाता है। तो ये अलग बात है, सोसाइटी दो तरफा चलती है, इसीलिए कह रहे ना नाम लेंगे कि तुम भी गौरव शुक्ला हो, तो लोग जान रहे थे तुम गौरव शुक्ला हो, गौरव शुक्ला के कैलकुलेशन नहीं आए, इसीलिए मैंने अभी तक नाम नहीं लिया कि मुझसे कैलकुलेशन गौरव शुक्ला ने खींची। इंटीग्रेट करते हैं, आप ये बन जाएगा, इंटीग्रेट कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू, चलो इंटीग्रेट करते हैं, सुनो 1 अपॉन p माइनस 1 प्लस 1, सही है गलत, 1 अपॉन p माइनस 1 प्लस 1, सहमत हो, और x टू दी पावर कितना p माइनस 1 प्लस 1, इंटीग्रेट हुआ, लिमिट कहां से कहां तक काम करेगी, 0 से लेकर के 1 तक काम करेगी, सारे लोग सहमत हो। दूसरे वाले हिस्से को फिलहाल से लिए अभी हम एज इट इज छोड़ दे रहे हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के 1 और उसको लिख रहे हैं x टू दी पावर p माइनस x टू दी पावर माइनस p अपॉन 1 प्लस x और साथ में कितना dx, एक काम करो पहले इनको निपटा देते हैं, ये माइनस 1 ये प्लस 1 कैंसिल आउट हुआ, हम अलग से निपटा रहे हैं, ये और ये कैंसिल, 1 अपॉन p जो कांस्टेंट है उस पर लिमिट का कोई फर्क नहीं, यानी कायदे से मेरे पास केवल है x की पावर p और जिस पर लिमिट है 0 से लेकर के कहां तक 1, हम इसको अलग निपटा रहे हैं, इकट्ठे लिखेंगे, पहले ध्यान देना ये मैं फिर लिख रही हूं साथ में ना, ये बचपन वाली हरकतें छोड़ो, इधर रखो x की जगह पर 1 रखो, 1 टू दी पावर p और माइनस 0 रखने पर 0, 1 टू दी पावर p कितना 1, तो कायदे से केवल मिला 1 अपॉन p, तो इतने की जगह पर केवल 1 अपॉन कितना रख देंगे p रखेंगे और कुछ नहीं रखेंगे। आई बात समझ में, उसको हम सीधे लिख रहे हैं, इतनी बात हम सीधे लिख सकते हैं, ये आपका वर्क दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन आया। दूसरे वाले इंटीग्रल को लिखता हूं, दूसरे वाले इंटीग्रल की तरफ अगर हम ध्यान दें तो दूसरा इंटीग्रल गौर करना क्या लिखा जा रहा है, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के कितना 1, सारे लोग निगाह थाम करके देखना, इसको हम बाहर कर रहे हैं x टू दी पावर p माइनस x टू दी पावर माइनस p और 1 प्लस x को ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये बना 1 प्लस x टू दी पावर माइनस 1 और साथ में कितना dx। अब मुझको पता है 1 प्लस x की पावर माइनस 1 का बाइनोमियल द्विपद प्रमेय से एक्सपेंशन किया जा सकता है, हाँ या ना, नोट करो हम सीधे एक्सपेंशन लिखेंगे, बाइनोमियल थ्योरम, सारी जरूरत पड़ती है आपको लिमिट निकालने की।
क्योंकि वहाँ डी एल हॉस्पिटल रूल लगाने पे मना ही होती है, तो अपने लोग क्या लगाते हैं, बाई एक्सपेंशन लगाते हैं। नोट कर देखना, दिस इज इक्वल टू वन अपॉन पी माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर के वन, इसको लिख रहे हैं अभी एज इट इज एक्स की पावर पी माइनस एक्स की पावर माइनस पी। एक्सपेंशन सुनना, वो एक इनफाइनाइट सीरीज आएगी, और जो इनफाइनाइट सीरीज आएगी उसको शॉर्ट करके लिख रहे, बहुत बड़ा नहीं, हम अलग से करके दिखा देंगे, वही सीरीज आएगी। समेशन के वैरी फ्रॉम वन से लेकर के कहां तक, इंफिनिटी, और माइनस एक्स टू दी होल पावर के माइनस वन, ये पूरा और बाहर कौन रहा, और ये सीरीज तुमको करके दिखा दे रहे हैं। खतरनाक सवाल है, लेकिन क्या कर रहे है, तो है कौन सा नहीं, ये हम तुमको बता रहे ना, एग्जाम में पूछा जाएगा, इसकी गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन ये तुमको हम गारंटी दे रहे हैं, आगे ना जाने कितने ऐसे सवाल आएंगे जिसमें जब तक मुझसे ये इंटीग्रल टकराएगा तब उस इंटीग्रल की सीधी वैल्यू रखेंगे पाई अपॉन साइन, ये जो पावर लगी हुई है सीधी वैल्यू, अब तक तुम कहोगे सर सॉल्व कैसे हुआ, तो ये इंटीग्रल नॉर्मल इंटीग्रल के तरीके से सॉल्व भी नहीं हो सकता, ये सॉल्व यही होगा बीटा गामा फंक्शन की वजह से ही सॉल्व, आई बात समझ में, इसलिए मेरी मजबूरी है इसको सॉल्व कराना। इस सब पूरी सीरीज को लिखना, अगर इस सीरीज को लेके, इस सीरीज वास्तविकता में कौन है, ये सीरीज है समेशन के वैरी फ्रॉम वन से लेकर के कितना, इनफिनिटी माइनस एक्स टू दी पावर के माइनस वन। आप देखते हैं के बराबर वन, के बराबर वन लोगे तो माइनस एक्स टू दी पावर वन माइनस वन दैट इज इक्वल टू जीरो, और जीरो का मतलब कितना, सारे लोग सहमत हो। अगला k बराबर दो लो तो प्लस k इज इक्वल टू दो लेने पर माइनस x टू दी पावर टू माइनस वन, माइनस x की पावर वन दैट इज माइनस x, सहमत हो। k बराबर तीन लो तो प्लस माइनस x टू दी पावर थ्री माइनस वन, माइनस x की पावर टू यानी कि प्लस x स्क्वायर, मेरे ख्याल से दिमाग में नकल आनी चाहिए सीरीज क्या थी, वन माइनस x प्लस x स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस x की पावर फोर माइनस प्लस सो ऑन, याद आया कि नहीं, ये होता है एक्सपेंशन, ये पूरा एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस वन, चलो तो उसी चीज को समेट करके केवल कितना लिख दिया गया, समेशन के वैल्यू फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी माइनस एक्स की पावर के माइनस वन डी एक्स। कोई दिक्कत किसी को, चले यार, कई लोग सोच रहे हैं आज तक तो ऐसी गलती थी, ये तो कठिन होगा, अब तक तो बेचारा आप फंक्शन आसान आसान चल रहा था, इसीलिए कहते रेगुलर क्लास आओ, रेगुलर क्लास नहीं आओगे तो उनको बताएं, चाहे जिधर चाहे जिधर करंट की सिचुएशन बताएं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खुल करके पूछो, कोई छिपी बात नहीं, चाहे जिधर पढ़ो तुम इस इंटीग्रल से भेंट वार्ता नहीं करोगे, नहीं करोगे, वो पढ़ाएंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें जरूरत जिसकी है वो कोर्स में नहीं है, उनके पास भी अपने बहाने हैं, और सही भी है, कोर्स में नहीं तो कैसे, लेकिन फिर जब जब इस इंटीग्रल की जरूरत मुझको किसी न्यूमेरिकल में पड़ेगी हम तुमसे कहेंगे, ये होगा कभी सिखाएंगे, अब कभी नहीं सिखाएंगे, रियलिटी है, आज सिखाएंगे तो सिखाएंगे, अदरवाइज कभी नहीं सिखाएंगे, फिर सिखाएंगे तो फोरियर सिखाएंगे, और फोरियर करते वक्त ये इंटीग्रल नहीं लगाएंगे, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने में फोरियर का इस्तेमाल होता है, इसीलिए कहते हैं रेगुलर क्लास है। चल शुरुआत करते हैं, ये तो हो गया अपना सिंप्लीफाई कर, देखते हैं कितना आएगा, सो इसको ना ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है इसलिए और इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ऐसा इसको ब्रैकेट में डाल, आई बात समझ, ब्रैकेट लगा 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 ब्रैकेट लगा या बैठिए ब्रैकेट लगा फंसे रहोगे पता चलेगा, मेरे साथ एक बात पर सहमति जताना, अगर इस पर सहमत हो गए तो अगली लाइन बड़े विधवाका लिख सकते हैं, हम एक चीज लिख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ समथिंग, इंटीग्रल ऑफ समथिंग, और जो समथिंग है वो है समेशन मान लो x टू दी पावर x r, ये कर दिया मैंने, ये इंटीग्रल लिखा सम इंटीग्रल ऑफ समेशन x r, मतलब हम कह रहे हैं इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट में लिखना x1 plus x2 plus x3 plus so on plus xn और प्लस अप टू सो फार,
सारे लोग सहमत हो, इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है लीनियरिटी की। अगर इंटीग्रल लीनियर की प्रॉपर्टी रखता है तो ये इंटीग्रल सब पर बटेगा। चलो ए से लेकर के कहां तक करें, बी तक, तो आपको मिलेगा इंटीग्रल फ्रॉम ए से लेकर के बी कितना x1 प्लस इंटीग्रल फ्रॉम ए से लेकर के बी कितना x2 प्लस इंटीग्रल फ्रॉम ए से लेकर के बी x3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस इंटीग्रल फ्रॉम ए से लेकर के बी xn प्लस अप टू सो ऑन। आया ना? और चाहे आप कहो सम ऑफ इंटीग्रल इस तरह, और चाहे आप कहो समेशन इंटीग्रल फ्रॉम ए से लेकर के बी और अंदर वाली पूरी बात, मतलब हम इंटीग्रल और सिग्मा साइन दोनों का आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। आया ना? और अगर आप इनका इंटरचेंज कर सकते हो तो आप देखना हम इंटरचेंज करने जा रहे हैं। हम इस पूरी बात को लिखेंगे दिमाग, हम इसको लिखने चल रहे हैं, ये सिग्मा वाला साइन हम बाहर खींच रहे हैं और इंटीग्रल को अंदर में भेज दे रहे हैं, यानी ये हुआ दिस इज इक्वल टू वन अपॉन पी समेशन माइनस का साइन माइनस समेशन ब्रैकेट के अंदर में समेशन वही है के वैल्यू फ्रॉम वन से लेकर के कितना इंफिनिटी इंटीग्रल फ्रॉम जीरो से लेकर के कितना वन और साथ में एक्स टू दी पावर p माइनस एक्स टू दी पावर माइनस पी और इंटू माइनस एक्स टू दी होल पावर के माइनस वन साथ में कितना डी एक्स। सही है गलत? चलो सही है गलत? वी कैन इंटरचेंज इंटीग्रल एंड सिग्मा साइन ईच अदर, नोट कर। कुछ किया सिंपल सा एक थ्योरी, अंदर के जो पड़ा सिग्मा था उसको उठा करके कहां खींच लाए और इंटीग्रल को पूरे कर दिया। ठीक, अगला काम देखो, एक बात बताओ माइनस वन की पावर कितना है ए माइनस वन, अगर हम अलग अलग लिखना चाहें तो हम माइनस एक्स की पावर ए माइनस वन को दो टुकड़े में लिख सकते हैं माइनस वन टू दी पावर ए माइनस वन इंटू एक्स की पावर ए माइनस वन। सही लिखा या गलत लिखा? ये बताओ भैया, ये बताओ एम इंटू एन टू दी होल पावर आर, अगर ऐसा लिखा है तो अपने लिख सकते हैं m टू दी पावर r इंटू n टू दी पावर r, तो अगर m की r n की r लिखा तो समेट के इकट्ठा कर सकते हैं कि नहीं? तो अभी गौर करो समेट के इकट्ठा लिखा हुआ है तो इसको अलग अलग कर दो माइनस वन की k माइनस वन और x टू दी पावर k माइनस वन। लेकिन आपको पता है माइनस वन की k माइनस वन कोई ना कोई कॉन्स्टेंट है, उस कॉन्स्टेंट को बाहर खींचो, बाहर खींचना है देखना कॉन्स्टेंट को। सारे लोग लिखना मत, बस केवल देख लो यहाँ से माइनस वन की के माइनस वन को यहाँ बाहर लेकर के आ रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू वन अपॉन पी माइनस समेशन माइनस वन टू दी होल पावर के माइनस वन। आप चाहो यहाँ रखो, आप चाहो अभी भी आप पूरे से बाहर निकाल सकते हो, कोई रोका नहीं आपको, लेकिन सिग्मा रन कर रहा है के वैल्यू फ्रॉम वन से लेकर के कितना इंफिनिटी माइनस वन टू दी पावर के माइनस वन और ब्रैकेट का हाल देखना इंटीग्रल फ्रॉम जीरो से लेकर के वन और ये बना एक्स टू दी पावर पी माइनस एक्स की पावर माइनस पी और इंटू एक्स की पावर के माइनस वन और बाहर कितना डी। सही लगल? नोट कर, घर जाकर के बहुत अच्छे से दोहरा, मैं सब भूल जाएगा, हम तो अपने हिसाब से बहुत धीमे धीमे करवा रहे हैं। This is equal to 1 upon p. सारे लोग सामने देखो, बिल्कुल निगाह मत हटाना, सावधानी हटी तो घटना घटेगी।
माइनस समेशन के वैल्यू फ्रॉम वन से लेकर के इंफिनिटी, इसको अपने अच्छा अपने लोग एक और चालाकी खेलते हैं, ध्यान से सुनना, माइनस वन की पावर के माइनस वन है, एक काम करो माइनस वन टू दी पावर के इंटू माइनस वन टू दी पावर माइनस वन कर दो, बुढ़े में घात छोड़ती है आया ना, और मेरे को पता है माइनस वन टू दी पावर माइनस वन इसका मतलब होता है वन अपॉन माइनस वन टू दी पावर वन, और इसका मतलब होता है माइनस वन आया ना, और अगर इसका मतलब माइनस वन होता है तो इस माइनस माइनस को प्लस करके यह हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते, यानी हम लोग एक चालाकी करने जा रहे हैं, अपने लोग इस साइन को अब चुपके से कर देंगे कितना प्लस, लेकिन उस वक्त क्या हो जाएगा माइनस वन टू दी पावर अब ब्रैकेट के अंदर हाल देखना क्या हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर ये तो के की एक्स की पावर के माइनस वन, इसको जरा अंदर लेकर के आओ, इसको अंदर लाओगे तो ये बनेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर के वन, और एक्स टू दी पावर बी प्लस के माइनस वन, सहमत हो, फिर अगला सुना ये तो हो गया डीएम, और फिर इंटीग्रल पर ले जाओ माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर के वन, अब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई एक्स टू दी पावर कितना के माइनस पी, इसको पीछे लिखा और माइनस वन साथ में कितना डीएस, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज, अब सब पर क्या लगा है समीकरण लिखा जा सकता है कि नहीं, नोट कर जिनको नहीं समझ में आया वापस देखना, फिर सुनो वापस, कुछ किया नहीं यहां से माइनस वन की पावर माइनस वन को बाहर किया तो ये कितना हो जाएगा प्लस वन, सहमत हो सारे लोग, रुको इधर देखो सारे लोग लिखना बंद करो, इधर देखो माइनस वन की पावर माइनस वन को बाहर किया तो ये कितना हुआ सिग्मा, अभी भी अपने पास है माइनस वन की पावर केवल कितना बचा के, इंटीग्रल जीरो से वन था ये बताओ, इंटीग्रल दोनों पर बराबर बराबर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब इंटीग्रेशन जीरो से वन दिस इंटू दिस माइनस इंटीग्रल जीरो से वन दिस इंटू दिस, तो जब इनका इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा गुणे में घात जुड़ती है x टू दी पावर p प्लस k माइनस 1, और इनका इनका करोगे तो क्या आएगा x की पावर माइनस p माइनस k, देखो माइनस p और प्लस k और माइनस कितना 1, इसका अलग इंटीग्रल इसका अलग इंटीग्रल लिखा जा सकता है, नोट करो डिवाइडेड बाई एम प्लस वन, ये बताओ ये पावर इसमें एक जोड़ोगे तो कितना आएगा पी प्लस के आएगा कि नहीं आएगा, तो ये आपको मिलेगा एक्स की पावर पी प्लस के माइनस वन प्लस वन, वो दोनों कैंसिल आउट अपॉन अपॉन पी प्लस के माइनस वन प्लस वन, यानी कि पी प्लस के, सारे लोग सहमत हो, बगल वाले में आना माइनस इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा एक्स टू दी पावर कितना के माइनस पी माइनस वन प्लस वन, लेकिन माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट और अपॉन फिर से वापस के माइनस पी, और पूरी लिमिट काम करेगी जीरो से लेकर के वन, आया ना अब इंटीग्रेट कर लेते अपर लिमिट पर ही वैल्यू मिले, लोअर लिमिट जीरो है इसलिए सब स्वाहा हो जाएगा, लोअर लिमिट का बवाल ही नहीं, लेकिन बिल्कुल शॉक नहीं लगी ऐसे इंटीग्रल करवाने की, लेकिन ऐसे इंटीग्रल के ही आधार पर आगे सवाल है, बस बुरी चीज करना करना है, इक्वल वन अपॉन पी प्लस समेशन के वैल्यू फ्रॉम वन से इंफिनिटी माइनस वन टू दी पावर के, चले मान दोगे, चलो वापस आओ, दो मिनट के लिए रुकना, फिर लिख रहा दो मिनट के लिए रुको, वापस देखो सारे लोग, सबसे पहले हम अपर लिमिट भर रहे हैं, अपर लिमिट लोअर बाद में भरेंगे, अच्छा अपर लिमिट भरो तो कितना भरोगे वन,
तो ये होगा 1 की पावर, देखना तुम लोग मत लिखना, 1 की पावर p प्लस a अपॉन कितना e प्लस k माइनस अपर लिमिट भरो 1 टू दी पावर a माइनस p अपॉन कितना a माइनस p, अब लोअर लिमिट भरना माइनस लोअर लिमिट x बराबर 0 कर दें पूरा 0 और ये भी कितना 0 केवल यही बचेगा और 1 की पावर समथिंग दैट इज 1 तो आपके पास वास्तविकता में बचा 1 सही है गलत। और इसको अगर हम सॉल्व करें तब का हाल देखो, इसको सॉल्व कर रहे हैं दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस समेशन, अच्छा एक बात बताओ तुम लोग यहां तक लिख लो नहीं गड़बड़ी में कल बात जाएगा माइनस 1 टू दी पावर की फिर हम सम लिखेंगे कल तुम लोग ये, हालांकि आज तुम लोग जानते बड़े समझदार हो, एलसीएम आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी कि एलसीएम हो गया ए स्क्वायर के स्क्वायर ना, ये के माइनस बी के प्लस बी ये होगा के स्क्वायर माइनस कितना पी स्क्वायर, अच्छा ऊपर कितना आएगा ऊपर कितना गुना करो सुनो यहाँ पर हो जाएगा के माइनस कुछ लोग सोचे बहुत डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं ऐसा नहीं कर रहे हैं, अरे बहुत अच्छी ये हुआ के प्लस पी के प्लस पी और अगले में कौन हुआ के माइनस पी, अब गौर करना के प्लस पी कटा यहाँ आया के माइनस पी और फिर माइनस का साइन के माइनस कटा माइनस के और माइनस आया ना के से के कैंसिल माइनस टू पी सहमत हो नोट करो लिखो लिखो नहीं कंफ्यूज हो This is equal to 1 upon p plus summation k varying from 1 से लेकर के infinity minus 1 to the power k, दिमाग दौड़ाना क्या minus 2p है कि नहीं, नीचे वाले को जरा बोलो कौन है, नीचे वाला है k square minus कितना p square लेकिन ऊपर बैठा है minus 1, क्या यहां से तो minus common कर सकते हैं प्लस के लिए, तो अपने को क्या मिलेगा बोलो, अपने को मिलेगा 2p अपॉन कितना b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, सही लिखा या गलत बोलो, ऊपर एक माइनस था मैंने नीचे से एक माइनस कॉमन कर दिया तो दोनों माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, अब नोट करो प्लस समेशन के वैल्यू फ्रॉम 1 से लेकर के कितना इंफिनिटी माइनस 1 टू दी पावर के अब होल डिवाइडेड बाय 2p कॉमन हो चुका है p स्क्वायर माइनस कितना k स्क्वायर, इसे पूरे को नाम लेना और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है इंटीग्रल फ्रॉम 0 से लेकर के इंफिनिटी x की पावर p माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x dx के इस इंटीग्रल की वैल्यू अब तक आई ये इक्वेशन नंबर 1 में, मेरे को ये वैल्यू नहीं लानी थी मेरे को लाना है पाई अपॉन साइन पी पाई, तो आप हम इसकी वैल्यू निकालेंगे इसकी वैल्यू परेशान होते ना आज तुमने वैल्यू हाँ एनएससी में है क्लास में बिल्कुल है 3:06 हो गए अच्छा 3:15 की क्लास है वो बड़े लोग समझदार तुमको एक जगह तक पहुंचा दें वो फोर ईयर वाली बात लिख दो उसके बाद अगला काम तुम लोग खुद से कर सकते हो
लेकिन फोरियर वाली बात हम ही करनी पड़ रही है। यहां से हम जो बात लिख रहे हैं, ध्यान देना, अब जो बात लिख रहे हैं यही बात तुमको याद करनी है, अब मजबूरी है याद करनी है। फोरियर होता तो कत्ते ही ना कहते याद करो, फोरियर नहीं है तुम्हारे कोर्स में इसलिए मुझको कहना पड़ रहा है इतना। बट द फोरियर सीरीज ऑफ कॉस पी एक्स, कॉस पी एक्स की एक फोरियर सीरीज टूटती है, फोरियर मैथमेटिशियन थे उन्हीं के ही नाम पर है ये लिखना। बट द फोरियर सीरीज, बट द फोरियर सीरीज, बट द फोरियर पी आर बताइए, फोरियर पी आर, बट द फोरियर सीरीज ऑफ cos px is, cos px is equal to, cos px is equal to, जब हम लोग cos px के लिए फोरियर सीरीज को निकालते हैं तो cos px की फोरियर सीरीज हम लोगों को मिलती है cos px is equal to 2 pi upon, sorry 2p होना चाहिए, 2p, 2p upon pi into sin p pi p into pi ब्रैकेट के अंदर में 1 upon 2p square प्लस समेशन k वेरी फ्रॉम 1 से लेकर के इंफिनिटी माइनस वन टू दी पावर k into cos k x और होल डिवाइडेड बाई p स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। ये होती है cos px की फोरियर सीरीज, दिस इज द फोरियर सीरीज ऑफ cos px, यही तुमको याद रखना पड़ेगा ऐसे इंटीग्रल की वैल्यू के लिए। ठीक, हम क्या करेंगे, मेरे को तकलीफ क्या है वो सुनो, मेरी तकलीफ ये है कि आपने जो लिखा हमने वो लिखा, लेकिन बवाल एक जगह फंसा, 1 upon 2p square मैच किया, समेशन के 1 टू इंफिनिटी मैच किया, p स्क्वायर k स्क्वायर मैच किया, माइनस 1 की पावर k मैच किया, दिक्कत आई cos kx की, और मुझको यहां पर क्या नजर आ रहा है cos kx की जगह 1, अब cos की वैल्यू 1 होती है x बराबर 0 पर, तो इसमें पुट कर दो x = 0, x = 0, और जब x = 0 रखोगे तो देखो क्या मिलेगा बताओ, x equal to 0 रखने पर cos p into 0 यानी cos 0 की वैल्यू कितनी 1 is equal to कितना 2p upon pi और यहां कितना sin p pi ब्रैकेट का हाल बोलो सारे लोग इधर इधर वापस इधर आओ सारे लोग 1 upon 2p square प्लस कितना summation k वैल्यू फ्रॉम 1 से लेकर के इंफिनिटी अगला बोल माइनस 1 टू दी पावर k डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस k स्क्वायर क्यों क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1। अच्छा अब सुनो दिमाग दौड़ाना, मेरे पास ये मौजूद है किसके साथ 2p के साथ, तो देखो मेरे पास ये मौजूद है 2p के साथ, तो बाकी हिस्से को इधर कर लो ना तो कितना आएगा बोलो, पाई को इधर ले आओ तो पाई अपॉन इसको इधर ले आओ sin p पाई इज इक्वल इसकी वैल्यू कितनी हुई, इसकी वैल्यू हुई 2p ब्रैकेट के अंदर में 1 upon 2p स्क्वायर और प्लस कितना समेशन k वैल्यू फ्रॉम 1 से लेकर के इंफिनिटी बाकी बचा हिस्सा माइनस 1 टू दी पावर k अपॉन कितना माइनस क्या पाई अपॉन साइन की पाई हुआ। यार ये वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रखी जा सकती है using this in equation 1 we get answer, इसे उठा के equation 1 में रखते हैं using it in 1 इसे equation 1 में रखो, ध्यान देना सारे लोग इधर देखो इधर 2 मिनट इधर वापस इंटीग्रल 0 से लेकर के कहां तक इंफिनिटी x की पावर p माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x साथ में कितना dx इक्वल इसकी वैल्यू क्या आई तुम्हारे पास पाई का इसकी वैल्यू पाई अपॉन sin p पाई ना या ना अब कर सकते हो एक दो बार पढ़ना पड़ेगा ये मान के चलना इतना टेक्निकलिटी है इसमें एक दो बार तुमको पढ़ना पड़ेगा और ये cos px की फोरियर वाली सीरीज तुमको याद रखनी पड़ेगी ठीक।
मुझे पता है क्या करोगे, ये जिंदगी है, ये उन्हीं की घर जाएगी। हाँ याद रहेगा बच्ची, याद रहेगा। हम लोग भी पढ़ते थे तो हम लोग भी बीएससी याद करके ही पास हुए, याद रहेगा, परेशान ना। प्रणाम। आप बस छोड़ दिए, तुरंत छोड़ दिए।